साथियों, यूं तो सैकड़ों कारण हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के, और जुड़ो जोड़ो जीतों में हमने लंबी लिस्ट दी है क्यों आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए। फिर भी यहां पर आज मैं कुछ कारणों पर विशेष फोकस कर रहा हूं, क्योंकि लगातार यूट्यूब पर ये सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें। पहला कारण, किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रोजगार। आज की डेट में चारों ओर मंदी का माहौल है, मारुति ने 10,000 जॉब कट कर दिए, किसी और ने 5,000 जॉब कट कर दिए, यही न्यूज चारों ओर फैली हुई है। इन सब के बीच भी आज एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति का, नेटवर्कर का, आज व्यवसाय सुरक्षित है, रोजगार सुरक्षित है, क्योंकि वो किसी एक कंपनी में एक जगह में बंद के काम नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया घूम सकता है, कहीं से भी कहीं व्यापार को फैला सकता है। इसलिए अमूमन आप पर मंदी का सीधा असर नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत आपकी छटनी नहीं कर सकती, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में एक्स्ट्रा अर्निंग का रास्ता बना रहे, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। दूसरा कारण, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। साथियों, आज आप एक सरकारी नौकरी में होते हैं, मान लीजिए आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन बहुत कम लोगों का आउट ऑफ द वे प्रमोशन होता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है। लोग एक सीढ़ी पे इतने साल रहेंगे, फिर उसके बाद अगले पद पे जाएंगे, फिर उसके बाद अगले पद पे जाएंगे। ज्यादा मेहनत करने वाले को कोई फायदा नहीं, कम मेहनत करने वाला भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी निकाल लेता है, और दोनों एक तरीके से ट्रीट किया जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर जितनी आप मेहनत करो, मैं पिछले 12 साल में जानता हूं ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पास राई रत्ती पैसा नहीं था, आज उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, BMW जाने क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो देश विदेश घूमते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनको देख के पहचाना नहीं जा सकता कि ये वही लोग हैं। तो साथियों, यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है, यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है, यदि आप लोगों की ना सुन सकते हैं, थोड़ा सा अपमान भी सह सकते हैं, तो ये एकमात्र बिजनेस है संसार का जो जैसी मेहनत करो उतना बड़ा परिणाम देता है। मार्केट की कंडीशन, सरकार की पॉलिसीज, किसी चीज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा कारण, न्यूनतम लागत असीमित लाभ। कौन सा बिजनेस ऐसा है दुनिया में जिसमें 1,000, 2,000, 5,000 की लागत में आप लाखों कमा सकते हैं, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं। एक छोटा सा पान ठेला भी खोलना हो तो 2-3 लाख रुपए का खर्च लगता है, दिन में 15-15 घंटे बैठे रहना पड़ता है, पुलिस को संभालना पड़ता है, 100 चक्कर एक छोटी सी दुकान वाले को होते हैं। चौथा कारण, उम्र, जात पात, शिक्षा, कोई बंधन नहीं। आज आप कोई एग्जाम देने जाओ, इससे कम उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता। कोई नौकरी के लिए जाओ, मिनिमम इतनी डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए। केवल डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर एक बंधन नहीं है, कोई उम्र नहीं पूछेगा, कोई जात पात नहीं पूछेगा, कोई एजुकेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ ये देखेंगे आपके अंदर जिगरा है कि नहीं बड़ा होने का, आप फील्ड में पसीना रक्त बहाने को तैयार हो कि नहीं, आप घर से निकल के हर दरवाजा खटखटा सकते हो कि नहीं, आप हर दिन नया सीख सकते हो कि नहीं, आप लोगों की ना सुन सकते हो कि नहीं। यदि इतनी बेसिक चीजें आप में है, जुनून है, पैशन है, बस खत्म, इससे ज्यादा और कोई रिक्वायरमेंट डायरेक्ट सेलिंग को नहीं लगती। अगला कारण, असल टीम गेम। साथियों, दुनिया में जिन व्यवसायों में सर्वाधिक टीम की आवश्यकता होती है और वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, उसमें से एक है MLM, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। आज आपकी कोई भी चीज की दुकान हो, आप मान लीजिए बाइक सेल करते हो, तो आप किसी को बाइक सेल तो कर देते हैं, लेकिन वो तो जाके आपके लिए अगला ग्राहक नहीं लाता। आप किसी को किराना सेल करते हैं, वो तो जाके आपके लिए अगला ग्राहक नहीं आता। केवल MLM एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपने से जोड़ते हैं, उसके बाद वो और लोगों को जोड़ता है, उसके बाद वो और लोगों को जोड़ता है, और जितने लोग आपके नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे आते हैं, ये सारे लोग मिलजुल के एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ये ब्यूटी है इसकी। इसलिए साथियों, मैं कहूंगा आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होगा। आज हिंदुस्तान में हजारों करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर रही है, और इनको धीरे धीरे बढ़ना ही है।